Hi everyone, I hope you all are doing good and I hope you all are safe at your home. So guys, today we are going to discuss about one provision from Hindu Marriage Act, and that provision is very, very, very important yet so easy. So we are going to discuss about interim maintenance and maintenance from Hindu Marriage Act that is covered under section 24 and 25. But before going ahead, I would first like to tell you that the regular classes for law subjects are going on in the morning batch as well as in the evening batch. So if you want to take the regular classes, you can register yourself. I will share the number in the description box. You can raise the query there. Right, now let us discuss about the provision. So guys, as always, I will not going to discuss the Bayer Act language here, but yeah, I will give you a brief idea that what's written in the Bayer Act, so that when you will read the Bayer Act, you will get the idea that what is there in the Bayer Act. After watching this video, when you will read the Bayer Act, you will understand it very easily. Right, so guys, first of all, I will discuss about section 24, which talks about interim maintenance. See, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देखो, जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं ना, तो मेंटेनेंस के प्रोविजन काफ़ी सारे एक्ट्स में दे रखे हैं. हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया हुआ है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी दिया हुआ है, देन इट इज़ ऑल्सो गिवन इन CRPC section 125, देन इट इज़ ऑल्सो गिवन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एज वेल. बट ये सारे एक्ट्स जो हैं, यहाँ पे सब पे जहाँ पे मेंटेनेंस मिलती है, मोस्टली सब में मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन को मिलती है. बट वेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे इवन मेल पर्सन कैन क्लेम दी मेंटेनेंस. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो नीड में होता है उसको मेंटेनेंस दी जाती है. इफ द मेल मेंबर इज इन नीड ऑफ द मेंटेनेंस, देन द मेंटेनेंस विल बी गिवन टू द मेल मेंबर. अगर मेल मेंबर नीड में नहीं है, फीमेल मेंबर नीड में है मेंटेनेंस की, तो इफ फीमेल मेंबर इज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, देन द मेंटेनेंस विल बी गिवन टू द फीमेल. राइट, सो सेक्शन 24 और 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है, ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है. राइट, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 24 को. सो सी गाइस, सेक्शन 24 क्या बात करता है? ये बात करता है इंटरिम मेंटेनेंस की. व्हाट इज इंटरिम मेंटेनेंस? इंटरिम मेंटेनेंस होती है जो मेंटेनेंस जब आप सूट फाइल करते हो मेंटेनेंस के लिए, और जब तक आपका डिसीजन आता है, तो उसके बीच में ऑब्वियसली टाइम लग जाता है. राइट, उस टाइम पीरियड के अंदर हु विल गोइंग टू मेंटेन यू, हाउ यू विल मेंटेन योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी मीन्स, देन हाउ यू विल मेंटेन योर सेल्फ. तो उस टाइम पे हम बात करते हैं सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की. उस टाइम पीरियड में जिस समय आपने इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया, और जब तक डिसीजन आया, फाइनल डिसीजन आया, उस टाइम पीरियड में जो मेंटेनेंस मिलती है उसको हम बोलते हैं इंटरिम मेंटेनेंस. ठीक है, प्लस कोर्ट ये भी कहता है दैट विद इन 60 डेज, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट को इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, जो भी मेंटेनेंस के मैटर्स होते हैं उनको विद इन 60 डेज करना चाहिए. देखो, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट हैज़ टू गिव द रीज़न फॉर दैट वाई दे वर नॉट एबल टू रिजॉल्व द मैटर इन विद इन 60 डेज. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस. देन सेक्शन 25 जो है वो क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कि सेक्शन 25 बात करता है रेगुलर मेंटेनेंस की. अब रेगुलर मेंटेनेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एलुमिनी और एक होती है मेंटेनेंस. एलुमिनी क्या होती है? एलुमिनी होती है जब बेसिकली आप होल सोल मेंटेनेंस साथ में दे देते हो, कि मतलब एक अगर एक लेडी है तो उसकी पूरी लाइफ में कितना खर्चा होगा वो पूरा सोच के जब आप पूरी मेंटेनेंस दे देते हो, वो होती है एलुमिनी. ठीक है, और मेंटेनेंस क्या होती है? जो कि आप मंथली देते हो. ठीक है, और ये मेंटेनेंस कब तक दी जाती है? जब तक वुमेन और मेल पर्सन अलाइव हैं, तब तक. जब तक वो पर्सन अलाइव है सिर्फ तब तक ये मेंटेनेंस दी जाएगी. द मोमेंट ही और शी विल डाई, उस दिन से मेंटेनेंस देना बंद हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग. देन दूसरी चीज़ आती है कि लेट सपोज आपने मेंटेनेंस ले ली, आपको कोर्ट ने लेट सपोज एलिमिनी ग्रांट कर दी. क्यों? क्योंकि आपने कोर्ट में ये प्रूव किया दैट द अदर पर्सन वॉज इन अ एडल्ट्रस रिलेशनशिप. ठीक है, बट लेटर ऑन जो लेट सपोज आपने प्रूव किया था दैट योर हस्बैंड वॉज इन अ एडल्ट्रस रिलेशनशिप, अब लेटर ऑन अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि
I was not in an adulterous relationship and he was not having any means to prove that at that time. And now he is proving that my wife is unchaste. Unchaste matlab she is in an adulterous relationship. So us case ke andar court jo hai wo maintenance ko wapis karne, maintenance nahi, alimony ko wapis karne ka bhi order de sakta hai. Aur agar court ne maintenance grant kar rakhi hai ki aapko monthly maintenance deni hai, to usko bhi court chahe to band kar sakta hai. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, अगर सपोज चेंज इन सर्कमस्टांसिस होता है तब भी कोर्ट चाहे तो मेंटेनेंस के अंदर चेंजेस कर सकता है. जैसे कि सपोज जिस समय पे वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम करी उस समय पर दी हस्बैंड वाज अर्निंग 1 lakh rupees एट मंथली. ठीक है. बट लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम हुई, नाउ द हस्बैंड इज नॉट अर्निंग 1 lakh rupees. सो हस्बैंड विल गो टू द कोर्ट एंड विल फाइल एन एप्लीकेशन दैट देयर शुड बी चेंजेस इन द मेंटेनेंस. तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, सर्कमस्टांसिस के अंदर चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को देखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस के अंदर भी चेंजेस कर देगा. ठीक है. उसके बाद ये तो था जो जर्नल आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा. अब उसके बाद एक और चीज़ आती है कि लेट सपोज एक वाइफ ने 25 सेक्शन के अंदर ऑलरेडी मेंटेनेंस ले रखी है. ठीक है. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वाइफ ने ऑलरेडी सेक्शन 25 में मेंटेनेंस ले रखी है. बट आफ्टर सम टाइम शी इज गोइंग टू सेक्शन 125 CRPC फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस. कैन शी डू सो. देखो कोर्ट ये कहता है कि अगर आपने पहले मेंटेनेंस सेक्शन 24 में क्लेम करी थी तो इवन इफ यू वांट इसके अंदर चेंजेस किए जाए तो भी आप, सॉरी 24 ने 25 में क्लेम करी थी तो अभी भी आप 25 में ही जाओ. ठीक है. बट अगर आप 125 में चले भी जाते हो तो वो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि यू कैन डू सो. ठीक है. तो वो भी आप कर सकते हो. बट आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप मत जाओ 125 में, रेदर गो इन सेक्शन 25. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन. आई थिंक दिस वॉज शॉर्ट, क्रिस्पी एंड आई होप यू लाइक इट. सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक इट इफ यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.